आरविन, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप देख सकते हैं कि सरकार कितना माइन्यूटली स्वच्छता के लिए ध्यान दे रही है और कितनी संवेदनशील है। और इसी दृष्टि से, क्योंकि क्या होता है कि गाड़ी में लोग अगर मान लीजिए कुछ खा ही रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बिसलरी की बॉटल खा ली है, तो जनरली लोग कई बार ऐसा भी करते हैं कि फेंक देते हैं बाहर, उससे भी कहीं ना कहीं गंदगी फैलती है। तो लोग कूड़े को, जो कूड़ा है वो गाड़ी से जो रैपर्स वगैरह हैं, जो खाली बॉटल्स हैं, वो बाहर ना फेंके बल्कि एक बिन में फेंके, एक कूड़ेदान में फेंके। इसलिए हम छोटा सा डस्टबिन जो है, जिसको कारबिन का नाम इन लोगों ने दिया है, वो हम दे रहे हैं। स्वच्छता को लेकर, कारबिन को लेकर छोटा संदेश देने की बात कही जाए तो क्या लास्ट संदेश देंगे? लास्ट संदेश ये है कि कहना चाहिए कि स्वच्छता हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे स्वच्छता के प्रति, हमारा वातावरण स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा। ज़रूरी है कि वातावरण स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, तभी हम भी स्वस्थ और स्वच्छ रहें।